Hi everyone, so once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta, and today in this video we are going to discuss the topic of International Court of Justice under the major topic of United Nations Organization. In this video we'll be discussing that what are the main objectives of ICJ, what is the composition of ICJ, what is the judgment of this court, what law is applied by this court, what is the judgment procedure of this court, what is the enforcement procedure of the judgment of this court, and what is the role of ICJ in the development of international law. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. ICJ means International Court of Justice is the principal judicial organ of United Nations. ICJ क्या है? ICJ United Nations Organization का principal, मतलब सबसे main important judicial organ है. ठीक है, ये चीज़, ये जो बात मैंने बोली है, ये आर्टिकल 92 ऑफ यूएन चार्टर में दी हुई है. ठीक है, आर्टिकल 92 ऑफ यूएन चार्टर स्टेट्स दैट आईसीजे इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. देन द कोर्ट कैरी आउट इट्स फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट व्हिच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक जैसे हमने जो भी पढ़ा, जनरल असेंबली पढ़ा, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा, सेक्रेटेरिएट पढ़ा, ये सारे ऑर्गन्स जो पढ़े थे, इसकी जितनी भी बातें थी वो सब हमारे यूएन चार्टर में मेंशन थी. आईसीजे की जितनी चीज़ें हैं, कॉम्पोजिशन से लेके जजमेंट प्रोसीजर से लेके जुरिस्डिक्शन, ये सारा इसका एक सेपरेट स्टैट्यूट है, दैट इज स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे. उस पे बेस्ड है कोर्ट की सारे फंक्शंस, कोर्ट की सारी डिटेल्स. ठीक है, द कोर्ट कैरी आउट इट्स फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट व्हिच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर. ये स्टैट्यूट चार्टर का ही एक पार्ट है. ठीक है, आप देखते हैं क्या मेजर मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आईसीजे के. बेसिकली दो हैं. पहला, टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और सिचुएशंस विच आर सबमिटेड टू इट बाय द स्टेट्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ. जो आईसीजे है ये क्या करता है, ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता है, उसमें डिसीजन प्रोवाइड करता है, उसमें रेमेडी प्रोवाइड करता है. ठीक है, टू द स्टेट्स, जो कि स्टेट पार्टीज स्टेट्स होते हैं उनको. ठीक है, और किस क्या बेस होता है डिसीजन प्रोवाइड करने का या डिस्प्यूट सेटल करने का, दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एज वेल एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. राइट, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस टू एनीबडी विच हैज़ बीन ऑथराइज्ड इन अकॉर्डेंस विद यूएन चार्टर. ठीक है, मतलब इसके एक तो डिस्प्यूट सेटल करने का इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक एडवाइजरी ओपिनियन देना लीगल क्वेश्चंस के ऊपर टू एनीबडी हुएवर इज़ ऑथराइज्ड इन अकॉर्डेंस विद यूएन चार्टर. ठीक है, लीगल क्वेश्चंस के ऊपर, लीगल डिलेमास के ऊपर अपनी एडवाइजरी ओपिनियन ये डिलीवर करता है आईसीजे. ठीक है, आप देखते हैं इसका क्या कॉम्पोजिशन है आईसीजे का. बेसिकली जो मैं कॉम्पोजिशन को मैंने ना पॉइंट्स में डिवाइड किया, सो इन टोटल देर आर 13 पॉइंट्स इन माय नोट्स. सो पॉइंट नंबर वन इज कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस. आर्टिकल 3 पैरा 1 स्टेट्स दैट कि आईसीजे के अंदर टोटल 15 जजेस होते हैं. हम कह सकते हैं कि अगर आईसीजे के मेंबर्स इन टोटल 15 होते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर टू इज टू ऑफ देम मे नॉट बी नेशनल्स ऑफ द सेम स्टेट. मतलब अगर 15 टोटल जजेस हैं तो उसमें दो जजेस सेम नेशनैलिटी के नहीं होने चाहिए. ठीक है, दे शुड नॉट बी द नेशनल्स ऑफ सेम स्टेट, दे शुड नॉट बिलोंग विद द सेम स्टेट. राइट, थर्ड पॉइंट, जजेस ऑफ द कोर्ट आर टू बी इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड बाय सिक्योरिटी काउंसिल इंडिपेंडेंटली बट साइमल्टेनियसली. जो जजेस इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, वो जनरल असेंबली करेगा और सिक्योरिटी काउंसिल करेगा. ये जो दोनों ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, दोनों ही इलेक्ट करेंगे जजेस ऑफ द कोर्ट. इंडिपेंडेंटली करेंगे बट साइमल्टेनियसली करेंगे, मतलब अलग अलग लेवल पे करेंगे बट साथ मिलकर करेंगे. ये आर्टिकल 8 में एक्सप्लेन है. पॉइंट नंबर 4 इज जजेस आर इलेक्टेड बाय दीज टू ऑर्गन्स ऑफ यू एन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय नेशनल ग्रुप्स इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एस्टेब्लिश बाय हेग कन्वेंशन ऑफ 1907. अभी क्या है, ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये जब इलेक्ट करेंगे तो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स, एक लिस्ट ऑफ पर्सन्स है, नॉमिनेटेड पर्सन्स जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. देर इज़ अ कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग कन्वेंशन 1907 के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी. तो इस कोर्ट के अंदर जिन लिस्ट ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है उन्हीं में से फर्दर इलेक्शंस होते हैं फॉर द आईसीजे. ठीक है,
ICJ के जजेस के लिए फर्दर इलेक्शन होता है बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. ये आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 4 में एक्सप्लेन है. आर्टिकल 3 में था कि टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, दैट इज 15. आर्टिकल 8 में था कि कौन इलेक्ट करता है, और आर्टिकल 4 में कहाँ से इलेक्ट किया जाता है. पॉइंट नंबर 5 इज आर्टिकल 20 ऑफ द स्टैट्यूट, दैट इज स्टैट्यूट ऑफ ICJ, लेज डाउन दैट judges before taking up their duties are required to make a solemn declaration in open court that they'll exercise their powers impartially. आर्टिकल 20 जो है ICJ के स्टैट्यूट का, वो ये कहता है कि जो जजेस हैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से पहले या अपनी ड्यूटीज़ टेकअप करने से पहले, वो ज़रूरी है कि वो ओपन कोर्ट में एक डिक्लेरेशन करें कि वो जो भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, जो भी जस्टिस इम्पार्ट करेंगे, वो इम्पार्शली करेंगे, बायस होकर नहीं करेंगे, ठीक है, फेयर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे. सिक्स पॉइंट इज दे शुड बी द पर्सन ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर. जो भी पर्सन एज द जज ऑफ ICJ इलेक्ट किया जा रहा है, वो हाई मॉरल करेक्टर का होना ज़रूरी है. सेवन पॉइंट, जजेज ऑफ द कोर्ट में नॉट एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और इंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोफेशनल नेचर. आर्टिकल 16 जो है स्टैट्यूट का, वो कहता है कि जो जजेस हैं, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं एज अ जज ऑफ ICJ, तो वो किसी भी अन्य तरह का, किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या किसी भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में अपने आप को इंगेज नहीं रखेंगे. इट इज़ मस्ट to be the judge of ICJ, ठीक है. आर्टिकल 16. पॉइंट नंबर 8 इज दे आर रिक्वायर्ड टू पजेस द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज फॉर अपॉइंटमेंट इन द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसेस, ठीक है. जितने भी, जो भी पर्सन इलेक्ट हो रहा है फॉर ICJ जज, ज़रूरी है कि उसने वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अपनी अटेन कर रखी हो. क्या क्वालिफिकेशन? वो क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में फॉर द अपॉइंटमेंट इन द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसेस, ठीक है. ये बात बोली गई है आर्टिकल 2 के अंदर. पॉइंट नंबर 9 इज जजेस आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स. टेन्योर की बात हो रही है. आर्टिकल 13 बताता है कि जो ICJ के जजेस होते हैं उनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स का, ठीक है. नाउ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज कि हमारे इंडियन कोर्ट में, हमारे इंडियन कोर्ट, अगर मैं स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, तो उसमें क्या टेन्योर रहता है जजेस का, और हाई कोर्ट में क्या टेन्योर रहता है जजेस का, ठीक है. नाउ 10 पॉइंट इज द टर्म्स ऑफ 5 जजेस इलेक्टेड एट द फर्स्ट इलेक्शन expired at the end of 3 years and the terms of another 5 judges expired at the end of 6 years. Article 13. Next, retiring judges are elected for re-election. कि जो भी रिटायर हो जाते हैं जजेस, वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं. मेंबर्स ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी डिसमिस्ड अनलेस ही हैज सीज टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशंस, ठीक है. जितने भी मेंबर्स हैं कोर्ट के, मतलब जो जजेस हैं, वो तब तक डिसमिस नहीं हो सकते हैं अपनी पोजीशन से जब तक वो किसी भी रिक्वायर्ड कंडीशन को सीज ना कर दें, ठीक है. मतलब किसी रिक्वायर्ड कंडीशन का उल्लंघन ना कर दें. वो क्या कंडीशंस होती हैं कि जिन्हें फुलफिल करना मस्ट होता है, वो एक्सप्लेन है ICJ के स्टैट्यूट के आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 में. और लास्ट हमारा कॉम्पोजिशन का पॉइंट है कि द कोरम ऑफ द कोर्ट इज फिक्स एट 9 जजेस. एक कोरम जो बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, वो 9 जजेस की होनी जरूरी है. इट इज फिक्स एट 9 जजेस. ये आर्टिकल 25 में बोला गया है, ठीक है. ये हमारा कॉम्पोजिशन पूरा हुआ. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, कुछ वो बताती हूँ, बुलेट पॉइंट्स. पहला था कि फर्स्ट इलेक्शन ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला इलेक्शन कब हुआ था? तो हुआ था अप्रैल 1946 में. उसके बाद फर्स्ट लेडी जज ऑफ ICJ कौन थी? फर्स्ट लेडी जज ऑफ ICJ थी मिसेज रोजलिन हिगिन्स. एंड द प्रेजेंट इंडियन जज इन ICJ इस वक्त कौन है हमारे प्रेजेंट इंडियन जज? मिस्टर दलवीर भंडारी, ठीक है. क्वेश्चन ऑफ द वीडियो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज कि मिस्टर दलवीर भंडारी किस ईयर से ICJ के जज हैं, ठीक है. प्रेजेंट में हैं लेकिन किस ईयर से हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रेसिडेंट. आर्टिकल 25 बताया है कि जो ICJ के प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होता है, कब का होता है. सो द कोर्ट इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. कि कोर्ट जो है वो अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 3 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, ठीक है. 3 साल के बाद फिर नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं. एंड दे में भी री इलेक्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. एक बार उनकी टर्म का एक्सपायरी हो जाता है, उसके बाद वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं. ये आर्टिकल 25 में बताया है. नेक्स्ट इज एड हॉक जजेस. आर्टिकल 31 पैरा 2 ऑफ स्टैट्यूट बेसिकली इसमें एक्सप्लेन है एड हॉक जजेस के बारे में. इट प्रोवाइड्स दैट इन केसेज वेयर पार्टी हैज नो नेशनल जज इन द कोर्ट, इट मे अपॉइंट अ पर्सन टू सिट एज अ जज एड हॉक फॉर द पर्पज ऑफ द केस, ठीक है. अगर कोई पार्टी अपना केस लेके गई है
और अगर उस वक्त कोर्ट में उसकी नेशनैलिटी का उसके स्टेट का कोई जज नहीं है तो वो अपने स्टेट का जज वहाँ पर अपॉइंट किसी भी पर्सन को एज अ जज अपॉइंट कर सकते हैं एडहॉक जज, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दैट केस, उस केस के पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। एडहॉक जजेस आर नॉट परमानेंट जजेस, याद रखिए एडहॉक जजेस परमानेंट जजेस नहीं होते हैं, वो फॉर अ टाइम फॉर अ लिमिटेड टाइम ही अलॉट किए जाते हैं एंड सिट ओनली इन पर्टिकुलर केस फॉर विच दे आर अपॉइंटेड, जिस पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किए गए हैं सिर्फ उसी के लिए ही वो उसमें अपना जस्टिस डिलीवर करते हैं एंड उसके बाद वो उसके जजेस नहीं रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू अपॉइंट एड हॉक जजेस इन एडवाइजरी प्रोसीडिंग, इसके केस को सुलझाने के अलावा किसी एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स के लिए भी एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ये हो गया हमारे एड हॉक जजेस, आर्टिकल 31 पैरा 2। नाउ नेक्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कैसे होता है, क्या होता है। आर्टिकल 36 पैरा 1 में बताया गया है, इट लेज डाउन दैट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट कंप्राइजेस ऑल केसेस इन विच द पार्टीज रेफर टू इट, ठीक है, हर वो केस जो पार्टीज ICJ के पास लेकर जाती है उन सब में कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। आर्टिकल 36 पैरा 1, कोर्ट डज नॉट डिसाइड ऑल द डिस्प्यूट, लेकिन याद रखिए हर डिस्प्यूट जो ICJ के पास होता है जरूरी नहीं कि वो सब में डिसीजन प्रोवाइड करेगा, वो सबको डिसाइड करेगा। इट डिसाइड ओनली सच विच इज़ अ लीगल डिस्प्यूट, सिर्फ वही डिस्प्यूट को सेटल करता है, डिसाइड करता है जो कि लीगल डिस्प्यूट होता है। लीगल डिस्प्यूट क्या होता है, दैट इज़ वेयर द पार्टीज टू द डिस्प्यूट बेस देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स एंड कंटेंशन ऑन ग्राउंड रिकोगनाइज बाई इंटरनेशनल लॉ, सिर्फ उसी डिस्प्यूट को सेटल करता है जो किस पे बेस्ड है, जिसके क्लेम्स एंड कंटेंशन इंटरनेशनल लॉ से रिकोगनाइज्ड हैं, ठीक है, उसी डिस्प्यूट को लीगल डिस्प्यूट कंसिडर करके और उसी में ही डिसीजन प्रोवाइड करता है ICJ। ये हो गया, इसमें एक केस है हमारे पास निकारागुआ वर्सेस होंडुरस, निकारागुआ वर्सेस होंडुरस, इसमें यही बोला था दैट कोर्ट स्टेटेड दैट द कोर्ट इज ओनली कंसर्न विद केसेज इन्वॉल्विंग अ लीगल डिस्प्यूट, ICJ कोर्ट मीन्स ICJ इज ओनली कंसर्न विद केसेज इन्वॉल्विंग अ लीगल डिस्प्यूट, निकारागुआ वर्सेज होंडुरस, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट में भी डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू टू कैटेगरीज, जो ज्यूरिसडिक्शन है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन और एक है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कंटेंशियस एंड एडवाइजरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट का पार्ट। नेक्स्ट है लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट, क्या लॉ अप्लाई किया जाता है बाय द कोर्ट, तो ये आर्टिकल 38 पैरा 1 में है। देखो एडहॉक जजेस का पार्ट था आर्टिकल 31 पैरा 2 में और ज्यूरिसडिक्शन का था आर्टिकल 36 पैरा 1 में और यहाँ लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट है आर्टिकल 38 पैरा 1। इट लेज डाउन दैट डिस्प्यूट्स विच आर सबमिटेड टू इट आर डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, ये बोलता है कि जो भी डिस्प्यूट्स ICJ के पास आते हैं वो डिसाइड करता है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स एंड लॉज के बेसिस पर ही कोई भी केस डिसाइड होता है। यहाँ पर कोर्ट शाल अप्लाई इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज नेशंस, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करके कोर्ट अपना डिसीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ द केस, तो इसके ऊपर हमारे पास पहले केस है दैट इज़ लिबिया माल्टा केस, application for permission to intervene. In this case, it was noted by the court that it was a duty of the court to give fullest decision it may in the circumstance of each case. ठीक है, इस केस में बोला गया था कि कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर कोई केस उसके पास आया है और उसमें वो डिसीजन सुना रहा है तो उस केस के अंदर वो फुल डिसीजन प्रोवाइड करे, इट मे इन द सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस, मतलब जितना जो उसका पूरा डिसीजन हो सकता है हर एंगल से उस पूरे डिसीजन को वो प्रोवाइड करे टू द पार्टीज, ये कोर्ट की ड्यूटी है। हेल्ड वाज़ अ लिबिया माल्टा केस एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू इंटरवीन, ठीक है। अब कुछ और चीजें जजमेंट ऑफ द कोर्ट के बारे में, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केसेस। आर्टिकल 19 में बोला गया था कि जो डिसीजन होगा कोर्ट का जो केस के अंदर वो पार्टीज के लिए बाइंडिंग होगा, मतलब दोनों पार्टीज को उस डिसीजन को मानना होगा, उसको फॉलो करना होगा एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट और उस पर्टिकुलर केस के ही रिगार्ड में। द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज फाइनल एंड विदाउट अपील, आर्टिकल 60 कहते हैं कि जजमेंट होता है वो विदाउट अपील होता है, वो अपीलेबल नहीं होता है और ये फाइनल होता है, ठीक है। जजमेंट शाल स्टेट द रीजंस ऑन विच इट इज़ बेस्ड, जजमेंट के अंदर वो रीजंस लिखे होने चाहिए जिस पे वो बेस्ड है, किस के बेस पे जजमेंट सुनाया गया है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, आर्टिकल 56 पैरा 1 में कहा गया है। इट शाल कंटेन द नेम्स ऑफ द जजेस हु हैव टेकन पार्ट इन डिसीजन, जजमेंट के अंदर उन जजेस का नाम भी होना चाहिए जिन्होंने डिसीजन प्रोवाइड किया है, ये आर्टिकल 56 पैरा 2 कहता है, ठीक है। जजमेंट इज साइंड बाय प्रेसिडेंट एंड बाय रजिस्ट्रार, जजमेंट जो है वो प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार दोनों द्वारा साइन होना चाहिए एंड इट इज रेड इन ओपन कोर्ट आफ्टर हैविंग बीन गिवन ड्यू नोटिस टू द एजेंट्स, और एजेंट्स को ड्यू नोटिस देने के बाद
अगर नीडेड है तो जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में रीड भी किया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 58 में कहा गया है। ठीक है, तो पहले हमने केस पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज के बीच में। ठीक है, डिसीजन जजमेंट फाइनल होता है, अपीलेबल नहीं होता है, रीजंस मेंशन होने चाहिए, ठीक है, जजेस के नेम्स होने चाहिए, साइंड होना चाहिए और ओपन कोर्ट में रीडेबल भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट। सो ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 94 पैरा 1। आर्टिकल 94 पैरा 1 बताता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के और जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने वो उसको कंप्लाई करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट और द लास्ट हेडिंग इज द रोल ऑफ आईसीजे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसका क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो हम पढ़ रहे हैं। सो डिसीजन ऑफ द कोर्ट रिवील दैट इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जितने भी डिसीजन अब तक दिए हैं आईसीजे ने सर्टेन केसेज में, उससे हमें ये पता चलता है कि इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट हैज़ डेल्ट विद मेजर क्वेश्चन इन कॉन्फर्मिटी विद इंटरनेशनल लॉ। जितने भी मतलब इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी मेजर क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड डिसीजन प्रोवाइड किया है आईसीजे ने अब तक। जैसे कुछ सर्टेन जजमेंट आती हूँ, इट हैज़ डिलीवर्ड जजमेंट और डिस्प्यूट्स किन किन चीज़ों से रिलेटेड, किन किन कंसर्न से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में जजमेंट प्रोवाइड किया है, लाइक कंसर्न्स रिगार्डिंग लैंड फ्रंटायर्स, मैरीटाइम बाउंड्रीज, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, नेशनैलिटी, गार्जियनशिप, राइट्स ऑफ पैसेज एंड इकोनॉमिक राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जजमेंट प्रोवाइड किया है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बट ये मेजर कंसर्न्स हैं। कोर्ट हैज़ गिवन एडवाइजरी ओपिनियंस कंसर्निंग कोर्ट, ये तो हो गई मैंने क्या क्या जजमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। होता है ना कि बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो सेटल डिस्प्यूट सेटल करना, दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन देना लीगल क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये भी आई सी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर एडवाइजरी ओपिनियन दिए, जैसे क्या क्या कंसर्निंग एडमिशन्स टू यूएन मेंबरशिप। ठीक है, रेपरेशन फॉर इंजरी सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूएन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रेपरेशन फॉर इंजरी सफर्ड का। इसके अलावा टेरिटोरियल स्टेटस ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न सहारा, एक्सपेंसेस ऑफ सर्टेन यूएन ऑपरेशंस, लीगैलिटी ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड, ठीक है, ये सर्टेन कंसर्न से जिसके ऊपर एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड की थी कोर्ट ने, आईसीजे ने। कोर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन टू डायरेक्शन। बेसिकली जो हमारा आईसीजे है, इसने इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में दो डायरेक्शंस में इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्टली इट इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड द एग्जिस्टेड लॉज, एग्जिस्टिंग रूल्स इन सच अ वे सो एज टू रिजॉल्व द इशूज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ नेशन। पहला इसने किस एस्पेक्ट में किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग रूल्स थे, एग्जिस्टिंग लॉज थे इंटरनेशनल लॉ के, उसको इंटरप्रेट किया, उसको अप्लाइड किया, जो भी इशूज आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए इसके ऊपर, और उसमें अपना डिसीजन प्रोवाइड किया और उन्हें रिसॉल्व किया। ठीक है, एंड दूसरा, सेकेंडली, इन दोज केसेस वेयर नो रूल एग्जिस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ, वेयर द कोर्ट वॉज फेस्ड विद न्यू सिचुएशन, इट इवॉल्व्ड सर्टेन न्यू प्रिंसिपल्स। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस आए थे जिसमें जिसके रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ में कोई रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, या फिर जो वो ऐसी कोई सिचुएशन थी जो कोर्ट के सामने पहली बार आई थी, कोर्ट ने पहली बार फेस की थी। तो ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे सिचुएशंस के अंदर आईसीजे ने नए सर्टेन न्यू प्रिंसिपल्स भी इवॉल्व किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल है जो आईसीजे ने प्ले किया है इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड विद दिस पॉइंट हियर वी आर डन विद आवर टॉपिक ऑफ दिस होल आईसीजे। मैंने अपने एस्पेक्ट से काफ़ी जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें थी सब कवर की, हो सकता है कुछ चीज़ें रह रही हों, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। ठीक है, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू वन वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यू विल डेफिनेटली गेट अमेजिंग लीगल लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट वीडियोज एंड सर्टन कंटेंट्स। एंड नाउ फ्रॉम अ लास्ट फ्यू डेज आई एम ऑल्सो कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन कम्युनिटी टैब द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉ, एंड यू गाइज आर रियली रिप्लाइंग फॉर द सेम, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट, एंड यू गाइज आर मोस्टली रिप्लाइंग द करेक्ट आंसर। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू, एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड इफ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट। दिस इज इट, आई विल मीट यू अप सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद brand new amazing content like this with such legal notes. So till then, take care, be safe, be healthy. Bye bye.